तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ वायरल वायरल क्वेश्चन, साइंस का वायरल क्वेश्चन। यदि आप सेकंड सिटिंग में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को देखकर ही जाइएगा, नहीं तो बहुत आप पछताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। मैं इस वीडियो में साइंस का सेट नंबर जी लेकर के आया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और चार चांद लगाने वाले हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा उसका गर्दा छुड़ाने वाले हैं, गर्दा उड़ाने वाले हैं, आप उसका तहल का मचाने वाले हैं। तो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख ही लीजिए, तब जाइएगा। और इस वीडियो में मैं जो बताया हूं ना, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने मैथ में वायरल क्वेश्चन करवाया था, जो वायरल क्वेश्चन मैंने मैथ का करवाया था दोस्तों, वो पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर बोर्ड एग्जाम में 80 प्रश्न में से किसी भी प्रश्न का 100 प्रश्न दिया गया था मैथ में दोस्तों, और उसमें किसी 50 प्रश्न का जवाब कहा था, तो मैंने आपको जो वायरल क्वेश्चन बताया, इसी 100 में से जो मैंने बताया था उसमें से 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ गए। तो ये है ना बहुत बड़ी बात। तो आज भी मैं आप लोगों को वायरल क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों के लिए। यहाँ लकी का समय है, एक लकी ये समझ जाइए कि आपका ये एक गुड लक है, जिसके माध्यम से मैं वीडियो के माध्यम से आप तक इस साइंस को पहुंचाने वाला हूं, पहुंचा रहा हूं। तो सेकंड सेटिंग में एग्जाम देने से पहले आप इसको जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा। उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको समझा देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। यहां शुरू हो गया है सेक्शन ए, और यहां पर है प्रश्न संख्या एक। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न संख्या एक का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए, मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आंसर दिखाऊंगा। आप लोगों का काम है लाइक करना, कॉमेंट करके बताना। और ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, और सेकेंड सिटिंग का भी क्वेश्चन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है दोस्तों। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, यहां देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन सभी में डीजल का उपयोग होता है, इन सभी में। दूसरा नंबर प्रश्न का जो जवाब है इन सभी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहां देखिए यहां दिया गया है, तीसरा नंबर प्रश्न है सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। जी हां, विद्युत ऊर्जा में इसका राइट आंसर है। सोना की परमाणु संख्या 79 यानी कि 79 है दोस्तों। सोना का जो परमाणु संख्या वो कितना है, वो 79 दिया गया है। देखिए पांच नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा अवक्षेपण। देख लीजिए, गौर से देख लीजिए और एग्जाम में छाप करके आइएगा, और दोस्तों तहलका मचा दीजिए। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है दो, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, वो दो होती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में जैसा बताया वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना 5.6 से कम होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए एट नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल, जो कि 100% सही है, एक भी डाउट नहीं है, एक भी कंफ्यूजन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, तो वो है बी एवं सी दोनों, यानी कि ये भी होगा और ये भी होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बी और सी दोनों होगा, फ्लोएम भी और जैलम भी। कहाँ होगा, पौधों का। निम्नलिखित में कौन संवाहक उत्तक है, उतना डिटेल्स में समझने की अभी आपके पास टाइम कहाँ है। एग्जाम हॉल में अगर आप जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा। प्रोटोजोआ देख लीजिए, 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि लीवर, इसे हम लोग बोलते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है आपके पास कुछ इस प्रकार से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। क्या होगा, सेरिब्रम होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए 13 नंबर प्रश्न है दिया गया, जो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो वो होते हैं 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है, तो वह है एक प्रकार का पदार्थ है, तरल पदार्थ है रक्त एक प्रकार का। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जो हैंसन ने किया था, किसने किया था, जो हैंसन ने। 17 नंबर प्रश्न पे गौर फरमाइएगा, और इसका राइट आंसर होगा नरम लोहा, इसे ही मुलायम लोहा भी कहते हैं या फिर सॉफ्ट आयरन कहते हैं। 3 याद रख लीजिएगा, किसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछते हैं।
18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। और देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है ना वो है ओम का नियम, और ओम का नियम में देखिए इस तरह से मैंने सॉल्व करके भी रख दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इस तरह से मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक प्रश्न कराया, 1 से 20 तक में आपको कितना दिक्कत हुआ, 1 से 20 क्वेश्चन को अच्छे से कमांड करके ही जाइए आप अपने एग्जाम में 4 चांद लगा करके आइए। उसके बाद 21 से लेकर के 80 तक का जो आंसर है ना आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने इतना वीडियो तो बना दिया 20 तक का, लेकिन 21 से लेकर के 80 तक का आंसर आपको इसी क्वेश्चन आंसर के साथ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक है। मैंने क्या कहा दोस्तों, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक है। उसके बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अगर ये सब आप करते हैं और टेलीग्राम में जुड़ भी जाते हैं ना, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको 21 से 80 तक का आंसर नहीं मिलने वाला है। 21 से 80 तक का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ही इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करते हैं। ये 3 काम क्योंकि सेटिंग है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर ये 3 काम आप करते हैं ना, तो ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही आप जाइएगा 21 से 80 तक का आंसर आपको वैसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, और कम समय में आप लोग शानदार तरीका से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए वायरल क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो कि आपको आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांस रहते ही रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको जो वायरल क्वेश्चन मैथ का करवाया था फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को 90 to 80 to 90% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल वायरल मैथ के वायरल क्वेश्चन में आए हैं। और इस बार भी आपका साइंस का, चाहे वो फर्स्ट सेटिंग का या सेकेंड सेटिंग का क्यों ना हो, अगर आप एग्जाम में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो साइंस का जो मेरा वायरल क्वेश्चन है, उस वायरल क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, जो यहां कहा जा रहा है वो कंप्लीट करिए, आप जरूर जो है ना 4 चांद लगाने वाले हैं साइंस में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।